मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में करीब एक माह पहले हुई चोरी के आरोपितों को पुलिस ने धार पुलिस के कब्जे से अपनी अभिरक्षा में लिया है। पकड़े गए आरोपितों ने पुलिस लाइन के 9 शासकीय मकानों से चोरी का अपराध कबूला है। खरगोन पुलिस लाइन से चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण चुराए थे। एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया, पकड़े गए आरोपियों ने खंडवा, खरगोन, हरदा, नर्मदापुरम और देवास जिले की पुलिस लाइन में 35 पुलिस कर्मियों के घरों में चोरी की थी, जो पुलिस के लिए चुनौती बन गए थे। बदमाशों को धार पुलिस ने पकड़ लिया है। गैंग के 3 सदस्य धार के बाग गाँव में एकत्र होकर वहाँ से प्लान बनाकर बस से निकलते थे। शाम तक संबंधित जगह पहुंच जाते, रात 1 से 3 बजे के बीच वारदात कर वापस बस से बाग लौट आते थे। घरों के ताले और नकुचे तोड़कर अलमारी से आभूषण व नकदी चुराना ही सॉफ्ट टारगेट रहता था। पकड़े गए आरोपियों से 5,21,000 रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। आभूषण के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी घबराते हुए गुमराह करने लगे। नर्मदापुरम खंडवा खरगोन में चोरी कर माल बिचौलिए रमेश चौहान निवासी पीपल दलिया थाना टांडा के माध्यम से साहूकार गौरव जैन निवासी बोरी अली राजपुर हाल मुकाम इंदौर को बेचना बताया। पुलिस ने रमेश को टांडा से गिरफ्तार किया है। चोरी के आभूषण खरीदने वाला गौरव जैन अभी फरार है। गौरव जैन पर पूर्व में चोरी और डकैती के आभूषण खरीदने के केस दर्ज हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस ने आज 2 अलग अलग समय पर हुई नकबजनी घटनाओं में आरोपियों को अरेस्ट किया है। जैसा कि आपके संज्ञान में है, 15-16 जनवरी को पुलिस लाइन में नकबजनी घटनाएं हुई थी। उसमें 7 स्थानों पर अटेम्प्ट हुआ था। ये गैंग धार जिले के टांडा से संबंधित थी। इस गैंग के सदस्य जो पूर्व में धार में गिरफ्तार हुए थे, इस गैंग के 4 लोगों को कोतवाली पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए रिमांड पे लिया है। इसमें एक जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला रमेश था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइन से संबंधित नकबजनी घटनाओं में 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के जरिए अरेस्ट किया गया। उनसे पूछताछ की गई तो इन घटनाओं में जो प्रॉपर्टी चोरी की गई थी उसमें लगभग 5 लाख का मसूल का सीज किया गया है। एक अन्य वारदात अभी जो 12 फरवरी को हुई थी, उस वारदात में भी आरोपी को अरेस्ट करके 3 लाख का जो प्रॉपर्टी का सीज किया गया है। इस प्रकार 2 अलग अलग समय पर हुई घटनाओं में कुल 5 आरोपियों को अरेस्ट करके लगभग 8 लाख रुपए का प्रॉपर्टी इसमें जब्त किया गया। सर, कोई फरार है इसमें जो माल खरीदा था? इसमें जो गैंग के रूप में ऑपरेट करते थे, पुलिस लाइन से चोरी की है, उसमें गौरव जैन का नाम आया है, जो कि काफी बड़ी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हुई है, तो उसको भी हमने केस में धारा 411 में आरोपी बनाया गया है। गौरव जैन की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई, जल्दी उसको गिरफ्तार करके बाकी प्रॉपर्टी सीज करेंगे। सर, ये टांडा से जो लोग गिरफ्तार करे, उन्होंने पुलिस लाइन में चोरी की, क्या थी उनकी मंशा कि वो पुलिस लाइन में सीधी चोरी करने पड़ी? ये है कि पुलिस लाइन जो कि बड़ी एरिया में रहती है, बहुत सारे क्वार्टर्स जो है लोग अवकाश पर चले जाते हैं और या फिर वो ड्यूटियों पर रहते हैं, उस सिचुएशन का फायदा उठा के वहाँ पर नकबजनी की जा सकती है। तो ये उन्होंने प्लानिंग किया था और बहुत ही प्लान तरीके से रैकी करने के बाद जिन घरों में ताले लगे हुए थे उनको टारगेट करके चोरी की गई थी। लेकिन ये वारदात काफी संवेदनशील थी, इसमें लगातार टीए कोतवाली उनकी टीम काम कर रही थी और ये पूर्व अन्य जिलों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, तो बाकी जिलों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन था। तो धार पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त की और पूरे गैंग को पकड़ा। उसके बाद से कई जिलों में हुई प्रॉपर्टी ऑफेंसेज की घटनाओं का खुलासा हुआ। इनको हम रिमांड पर लेके आए, मुझे लगता है और भी कई प्रॉपर्टी जो नकबजनी घटनाएं हुई है उनका खुलासा इनके पूछताछ में हो सकेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।